हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। कोर्ट ने 3 सवाल पूछे और फिर उनके जवाब दिए। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहना इस्लाम में जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर स्टूडेंट्स आपत्ति नहीं जता सकते और सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है। अपने आदेश के साथ ही हाईकोर्ट में हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गयी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम संगठनों और छात्र की याचिका खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया। कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। क्लासरूम के बाहर चाहे जो छात्र जो कोई ड्रेस पहने, लेकिन क्लासरूम में स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को मान्यता दी जाए। स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे इस विवाद पर फुल बेंच ने 15 से ज्यादा दिनों तक सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ता फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिजाब का विवाद उडुपी के कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां एक कॉलेज में छात्राओं को क्लास के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं थी। पिछले साल दिसंबर में कॉलेज की छात्राओं ने कक्षा के अंदर हिजाब पहनकर जाने का प्रयास किया, लेकिन उनको रोका गया, लेकिन छात्राएं अड़ गईं और उसके बाद वह कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।